हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अंदर बाहर आपके सामने खेलेंगे एम्प्ले द्वारा इस गेम को रिलीज किया गया एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम, और ये गेम खेलेंगे हम कसीलियो के वेबसाइट में। जी हाँ दोस्तों, गेम रूल्स बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अंदर बाहर का ये रूल, सिर्फ अंदर और बाहर ही नहीं, मिडिल कार्ड एक दिया जाएगा हर एक राउंड में। मिडिल कार्ड जो भी रहेगा, सपोज 5 आता है मिडिल कार्ड या बादशाह आता है, जो भी मिडिल कार्ड आता है वो आपको डिसाइड करना है कि किस में आएगा, अंदर पे या बाहर के। एक कार्ड डील होगा, एक अंदर पे एक बाहर पे, एक अंदर पे एक बाहर पे। अब जिसके पास भी पहली बार फर्स्ट में आ जाएगा मिडिल कार्ड, वो राउंड जीत जाएगा। और साथ में आपको मिलते हैं बहुत सारे साइड बेट्स के ऑप्शन, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा साइड में जाके। आप मिडिल कार्ड के ऊपर बहुत सारे बेट कर सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए यहां पे अंदर बाहर आपको मौका मिल जाता है, मिडिल कार्ड के ऊपर आप कर सकते हो। वो मिडिल कार्ड कौन से सूट का होगा, डायमंड क्लब्स और हार्ट और स्पेड में, तो वहां पर आप बेट कर दो। 3.8 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता है मिडिल कार्ड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप कलर डिसाइड कर सकते हो, रेड कलर या मतलब कोई डायमंड और हार्ट हो गया, रेड ब्लैक हो गया, क्लब्स और स्पेड, तो उस हिसाब से उस पर बेट कर सकते हो। यहां पर आप मिडिल कार्ड कौन से वैल्यू का होगा, एनी नंबर टू से लेकर 9-10 तक का कोई भी नंबर, या फिर इक्का बादशाह और यहाँ पे गुलाम रानी पे भी आप बेट कर सकते हो। 12.45 टाइम रिटर्न मिलता है, लेकिन एनी नंबर पे 1.35 टाइम रिटर्न मिलता है, तो उसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। अबव और बिलो एक नया ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लगता है कि 8 या 8 से नीचे आएगा, 8 से नीचे आएगा तो आप उसमें बेट कर 2.5, 8 से ऊपर आएगा 2.5, अगर लगता है सिर्फ 8 आएगा तो आप उसमें कर सकते हो। 12.45 टाइम रिटर्न मिलता है आपको। और कितने नंबर पे यहाँ पे कितने नंबर्स मतलब कितने कार्ड्स पे गेम ओवर होगा उसके ऊपर आप बेट कर सकते हो, जिसमें आपको मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कितने नंबर पे गेम ओवर होगा, राउंड ओवर होगा, कौन से कार्ड पे, मतलब 15th कार्ड पे, 16th कार्ड पे, पहले ही कार्ड पे, उसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। फिलहाल 20 रुपीज का बेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और सारे में थोड़ा थोड़ा करके बेट कर चुका हूँ, तो टोटल बेट मेरा 80 रुपीज का है। लेट्स सी, यहाँ पे मिडिल कार्ड आया है क्लब्स का 2, चलिए अब 2 जिसके पास आएगा वो जीत जाएगा, अंदर या बाहर। मैंने अंदर पे बेट किया और साथ में मिडिल बेट, यहाँ पे 2 आया है बाहर पे, तो मैं अंदर पे तो जीत नहीं पाया, और साथ में सूट्स में यहाँ पे मैं जीत नहीं पाया था उतना कुछ खास। कोई बात नहीं, फिर से कर दूंगा रीबेट। नो आया है, और यहाँ 132 रुपीज मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूट भी मतलब मैच कर गया था, कलर मैच कर गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। बिलो 8 पे आने का इंतजार करूंगा, ओके नहीं तो बिलो 8 पे नहीं आया। 95 रुपीज मैं जीत चुका हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आ गया था, जिसके वजह से मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। चलिए तो नेक्स्ट राउंड करूंगा, रिबेट फिर से कर चुका हूँ, उसी बेट के साथ जाऊंगा। एक बार उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बड़ा अमाउंट एक बार जीतूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 आया, अंडर 8 आया है, लेकिन यहाँ पे स्पेड वगैरह कुछ आया, मतलब स्पेड आया है, तो उसमें अगर बाहर में जीतता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे 100 के पास में जा सकता हूँ, लेकिन बाहर पे जीतूंगा नहीं, बाहर पे नहीं जीता, तो 20 रुपीज यहाँ पे मैं जीता हूँ, ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, फिर से रिबेट करूंगा। इस बार अगर रिबेट में कुछ खास नहीं हुआ ना, तो मैं बेट चेंज करने वाला हूँ थोड़ा। चलिए तो यहाँ पे 2 के, तो फिर से यहाँ पे 2 आ चुका है बाहर पे, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मिडिल कार्ड। इस बार मैं क्लब्स पे डिसाइड करता हूँ, यहाँ पे तो बेट को रेज करूंगा, 50 रुपए कर दूंगा, और यहाँ पे मिडिल कार्ड फिर से ब्लैक ही करूंगा, क्योंकि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे स्पेड पे, तो यहाँ पे इसलिए ब्लैक पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज पे भी इस बार थोड़ा चेंज करूंगा, और इक्का पे कर दूंगा 50 रुपए का बेट। अबव और बिलो में भी मैं यहाँ पे, चलिए बिलो 8 पे ही रखता हूँ, बिलो 8 पे रख देता हूँ, और यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे 17 मेरे लकी नंबर के साथ ही जाऊंगा, और यहाँ पे कर दूंगा डील, ठीक है। तो डील करने के बाद इस बार अंदर बाहर में कोई बेट मैन नहीं हुआ, सब साइड बेट्स में हुआ है। 9 आया है, और क्लब्स आ चुका है, 266 रुपीज यहाँ पे जीत चुका हूँ, वाओ, तो यहाँ पे 266 रुपीज जीतूंगा। बाकी सारे में तो मैच नहीं किया, बट यहाँ पे 266 रुपीज भी कम नहीं है, ठीक है। तो टोटल बेट मैन 240 का है, फिर से लेट्स सी इस बार क्या आता है, क्लब्स आएगा नहीं, डायमंड आया है, लेकिन ये अंडर 8 है, जिसके वजह से मैं थोड़ा बहुत अमाउंट जरूर आएगा। 102 रुपीज मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। चलिए कर देता हूं मैं अपना नेक्स्ट बेट। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएगा, और जरूर बोलेगा कि अंदर बाहर एम्प्ले द्वारा इस गेम को रिलीज किया गया, गेम जरूर खेले। और यहाँ पे 620 रुपीज, क्योंकि इक्का जो था, जो वैल्यू था, वो मैच कर चुका है, अब बिलो में नहीं, वो वैल्यूज में मैच कर चुका है, 620 रुपीज मैं जीत चुका हूँ, वाओ। चलिए तो इसी के साथ मेरा आखिरी बेट, और आखिरी बेट में क्या आएगा, फिर से इक्का आया है, वाओ, यहाँ पे फिर से इक्का आ चुका है, यहाँ पे ब्लैक में भी आया है, और 698 रुपीज दिस टाइम जीत चुका हूँ मेरे आखिरी बेट में। दोस्तों इंतजार मत करिए, ऐसे ही खेलिए, इतना आसान गेम, आसान तरीके से घर बैठ के पैसा जीत सकते हो, तो किस चीज का इंतजार। कसीनो के वेबसाइट में अपना आईडी बनाइए, और कसीनो के नए गेम्स ट्राई करिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।